गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता सब बढ़िया और बढ़िया रहे। तो फाइनली हम लोग शिमला से भी निकल गए चितकुल के लिए। तो चितकुल का जो डिस्टेंस है 238 किलोमीटर, और चितकुल जहाँ पड़ता है आपका इंडिया का लास्ट विलेज जो है चितकुल। तो चितकुल हम लोग जा रहे हैं। तो चितकुल जाते जाते हम लोग का लगभग 9 से 10 घंटा हम लोग का टाइम लग जाएगा। तो फाइनली हम लोग जो रूट को फॉलो करेंगे वो आपका, सबसे पहले जाएंगे हम लोग कुफरी, कुफरी के बाद हम लोग चल जाएंगे नरकंडा, नरकंडा के बाद रामपुर, रामपुर से आपका नेक्स्ट चल जाएंगे करछम। तो करछम जो है डैम है, करछम का डैम है। तो करछम डैम से राइड ले लेंगे, और राइड लेने के बाद ही पूरा फुल एडवेंचर चालू हो जाएगा हम लोग का। तो वहाँ का रास्ता जो है करछम के बाद से पूरा एडवेंचर रोड है। तो फिलहाल वहीं से हम लोग चल जाएंगे चितकुल। चितकुल जाने से पहले एक खूबसूरत सा एक विलेज आता है सांगला विलेज। तो सांगला विलेज पार करके हम लोग चितकुल जाएंगे। तो चितकुल में हम लोग का नाइट स्टे का प्रोग्राम बना हुआ है, और ऑलरेडी मैंने रूम बुक कर लिया था फ़ोन करके, बात करके। तो रूम हम लोग का बुकिंग है। तो अभी हम लोग कुफरी में पहुंच गए। तो कुफरी में आपका बहुत ही बढ़िया सा व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपका नरकंडा होकर हम लोग जाएंगे। तो नरकंडा का जो डिस्टेंस आपका दिख रहा है 48 किलोमीटर। तो जितना आगे आगे जा रहे उतना बढ़िया बढ़िया सा व्यू देखने के लिए मिल रहा है। और तो हम लोग कल जो बाइक राइड जो किए ना, बहुत ही मज़ेदार वाला, मतलब बहुत ही ज़्यादा बाइक को राइड किया अपना। मथुरा से डायरेक्ट आ गए हम लोग शिमला तक, मतलब पहाड़ी रास्ता में लगभग हम लोग 100 किलोमीटर प्लस बाइक राइड किए। तो उसी में टाइम ज़्यादा लग गया, लगभग हम लोग का पहुँचते पहुँचते 9 बज गया था। तो फिलहाल अभी हम लोग का जाना है चितकुल। हाँ, यहाँ पर आपका होम स्टे सब जो सब है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा होम स्टे मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ शिमला का आपका टेम्परेचर था 3 डिग्री, तो चितकुल का जो टेम्परेचर रहेगा माइनस में रहेगा। तो पूरा एकदम हिला देने वाला ठंडा रहेगा। मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आपका टेम्परेचर रहता है 15-16, तो हम लोग आ गए माइनस में, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही ठंडा को झेलना पड़ेगा। पाइन का फॉरेस्ट सब देखिए, दोनों तरफ पाइन का फॉरेस्ट, बीच में रोड। तो पहाड़ी रोड में तो कर्व रहता है, तो कर्व में थोड़ा देख के चलाना। जो चितकुल जो जगह है, मतलब बहुत ही मज़ेदार वाला जगह, आपको पूरा मतलब भर के इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा व्यू मिलेगा। लेकिन चितकुल जाते वक्त जो रोड का आपका व्यू सब है ना, मतलब लाजवाब, मतलब बोलने के लिए वर्ड नहीं है, इतना ही खूबसूरत सा रोड सब है, व्यू सब मिलेगा आप लोगों को। तो कल हम लोग कलका के बाद फ्यूल नहीं लिया, तो अभी हम लोग सोच रहे कि फ्यूल फुल टैंक रख के अपना चलना है, क्योंकि चितकुल साइड में पेट्रोल पम्प है या नहीं है उतना पता नहीं। तो फिलहाल फ्यूल रिक्स नहीं लेना है, फ्यूल पूरा फुल लोड कर लेते हैं। तो शिमला से चितकुल का आपका रोड का कंडीशन पहले ख़राब था, मैंने यूट्यूब में देखा था। तो अभी फ़िलहाल पूरा एकदम रोड बन गया है, पूरा रोड एकदम पूरा सही है। बाइक राइड में आपको पूरा एकदम मज़ा आएगा। तो यहाँ का जो आपको पहाड़ में आपका देखिए सीढ़ी जैसे जैसे दिख रहा है, पहाड़ में आपका सीढ़ी टाइप का बना हुआ है, और उसके ऊपर घर भी है। मतलब एक अलग देखिए ये अलग घर का आपका व्यू देखिए आप लोगों, जैसे लग रहा है जैसे पहाड़ के ऊपर आपका कोई इसको मतलब फिटिंग कर दिया है। तो ये ऊपर से देखिए आप लोग रो सब देखिए, सीढ़ी जैसे रो सब बना हुआ है, सीढ़ी का स्टेप सब बना हुआ है। बहुत ही एक अच्छा सा व्यू मिल रहा है। तो एक्चुअली मैं एक डर रहा था कि पेट्रोल पम्प होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने तो देखा कि काफ़ी पेट्रोल पम्प है। मतलब शिमला से चितकुल जाते वक्त बहुत ज़्यादा ही पेट्रोल पम्प मुझे दिख रहा है, लगभग 5-10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर का बीच बीच में पेट्रोल पम्प है। तो हम लोग का यहाँ से आपका चितकुल का जो डिस्टेंस है 157 किलोमीटर। चितकुल पहुँचते पहुँचते हम लोग को थोड़ा रात हो जाएगा। पहाड़ों पर जो बाइक लेके जाएंगे सोच रहे हैं, या स्पीति अगर आएंगे सोच रहे हैं बाइक लेके, तो आप लोग उनके लिए मतलब अगर पहले आए हो तो ठीक है, वरना अगर आप लोगों कहीं शॉर्ट राइड या कहीं हाईवे में राइड करते हो तो वो अलग है, और पहाड़ में राइड करना है, दोनों बिल्कुल अलग है।
तो बाहर में बाइक राइड करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ माइंड में रखना होगा कि आप लोगों को देखिए, जैसे ये मिडिल का जो लेन है, मिडिल का जो वाइट कलर का जो डागी है, इसके राइट तरफ नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि पहाड़ के रास्ते सब अचानक अचानक से कर्व आते हैं, तो इसीलिए उधर से भी तो गाड़ी जो आ रहा है वो आप इधर राइट टाइम में हो तो वो भी उधर से गुजर जाएगा, तो अचानक एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए आप लोगों ने लेफ्ट साइड होकर चलिएगा। ये मत सोचिए कि खाली रोड है आपका, राइट होकर निकल जाएंगे आप, ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि पहाड़ में आपका कर्व बहुत ज़्यादा है जैसे, और उधर से भी जो गाड़ी सब आ रहे हैं वो अपना मिडिल का जो लेन है उससे उसका इधर नहीं आएंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे, वो लोगों वही वाला लेन आपका उसका लेन में ही आएंगे, तो वो चीज़ आप लोगों ने भी माइंड में सेट रखिए कि आपको उधर नहीं जाना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि उधर खाली है गाड़ी, मैं अपना लेके निकल जाऊँगा, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि पहाड़ के रास्ते में बहुत ज़्यादा ही कर्व है। और व्यू देखिए, यहाँ से व्यू आप लोगों ने देखिए, वाव, पहाड़ में बाइक चलाना और आपका सिटी और आपका हाईवे में बाइक चलाना बिल्कुल टोटली अलग है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को बताया वही आप लोगों ने मेंटेन करके चलिएगा, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस एकदम ही नहीं रहेगा। और स्पीड थोड़ा स्लो चलाइएगा, लगभग 30-40-50 का स्पीड में चलिएगा, जो व्यू सब देखने के लिए मिल रहा है पूरा एकदम दिल पूरा खुश हो गया है, पूरा खुश। मतलब बहुत दिन से प्लान था अपना, बहुत दिन से एक सपना था कि स्पीति जाएंगे अपना बाइक लेके, अपना खुद का क्लासिक 350 बाइक लेके जाएंगे स्पीति वैली, वही आज अल्टीमेट पूरा होने जा रहा है। तो आज हम लोग जाएंगे चितकुल, तो चितकुल विलेज जो है आपका छोटा एक इंडिया का लास्ट विलेज है, तो वहाँ से आपका चाइना बॉर्डर लगभग आपका 10-15 किलोमीटर में आपका चाइना का बॉर्डर है, तो ये चितकुल विलेज हम लोग नाइट स्टे करेंगे और वहाँ का कुछ एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों को। तो अभी हम लोग डिसाइड किए कि यहाँ पर अभी लंच कर लेंगे, तो हाय कनम नेगी जीदा धावा, तो यहाँ पर धावा में थोड़ा लंच कर लेंगे, उसके बाद फिर निकला जाएगा अपना राइड के लिए। तो लंच करने के बाद हम लोग अभी निकल गए अपना डेस्टिनेशन की तरफ, तो डेस्टिनेशन में हम लोग का बाकी रह गया आपका 91 किलोमीटर, तो चितकुल का डिस्टेंस 91 किलोमीटर, तो थोड़ा बहुत अभी रास्ता ऑफ रोडिंग मिला हम लोग को, तो पहाड़ का आपका जो व्यू आपका दिख रहा है बहुत ही शानदार सा व्यू हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, और जितना आगे की तरफ बढ़ रहे उतना ठंड ज़्यादा लग रहा है, और चितकुल का टेम्परेचर माइनस में रहता है। व्यू देखिए, व्यू अभी जाके थोड़ा हम लोग को खराब रास्ता मिला है, बाकी पूरा शिमला से पूरा रास्ता लेकिन कंडीशन बहुत ही अच्छा है। 2 ईयर्स पहले आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैंने यूट्यूब में देख रहा था, लेकिन अभी पूरा एकदम चेंज हो गया। तो हम लोग चितकुल पहुँचते पहुँचते हम लोग का 7 बज जाएगा, तो चितकुल का आपका होम स्टे एक बुक कर लिया है। तो किन्नौर जिला में एंट्री करने के बाद अभी एक किन्नौर का पुलिस चेक पोस्ट पर हम लोग को बाइक का नंबर और आपका एड्रेस फ़ोन नंबर ये सब देके एंट्री करना पड़ा, तो हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यू का भी मौज लेते हुए। एक्चुअली यहाँ का जो व्यू ना मतलब सबसे अलग है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड करा। देखिए आप लोगों को, देखिए पहाड़ है ऊपर,
साइड में पहाड़, उसके नीचे से आपका रोड कटा हुआ है। एक्चुअली देखिए ऊपर देखिए पहाड़ है और बीच से आपका व्यू देखिए, इधर से लेफ्ट साइड में आपको व्यू देखिए, वाव। ऐसे जगह मैं मतलब सपना में भी नहीं आता मेरा, वाव रियली सच में पूरा दिल खुश कर दे रहा है। पूरा साइड से आपका पहाड़ का आपका लुक देखिए, ये पहाड़ का लुक मतलब बिल्कुल अलग है। जो पहाड़ लवर हो वो जरूर एक बार स्पीति आके घूम के जाए। बहुत ही मतलब क्या बोले, पूरा यूनिक पूरा व्यू है, यूनिक व्यू। आप लोगों ने देखिए पहाड़ का आपको ऊपर देखिए, ऊपर का कटिंग करके रास्ता बनाया, तो मतलब मेरा ऊपर ही पहाड़ का आपका पूरा एकदम पैच बना हुआ है। व्यू देखिए, व्यू व्यू वाव रियली मतलब गजब गजब का व्यू देखने के लिए मिल रहा है। पैस सब जो है ना बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सब बना हुआ है, कुदरत का एक कमाल। नहीं आओगे तो ये सब देख नहीं पाओगे। व्यू देखिए यहाँ से देखिए, वाह। व्यू का पूरा एंजॉय लेते लेते हम लोग चितकुल की तरफ बढ़ रहे, तो अभी थोड़ा बहुत रोड का कंडीशन थोड़ा खराब है, तो चितकुल का डिस्टेंस रह गया आपका 73 किलोमीटर। तो इंडिया का आपका लास्ट विलेज है चितकुल, तो यहाँ आने से पहले बाइक को सर्विसिंग पूरा फुल करा के आए थे। अब जाने के बाद भी एक बार कराना जरूरी है, क्योंकि 4000+ किलोमीटर हम लोग का कवर हो जाएगा, तो सब कुछ फिर से पूरा बाइक को अपना रेडी कर देना होगा। तो कल का हम लोग का प्लान रखे कि चितकुल से आपका कल्पा जाएंगे, नहीं तो ताबो जाएंगे। आने वाले 1-2 साल के अंदर ही आपका ये सब रोड पूरा एकदम पूरा बन जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा, ऑफ रोड नहीं रहेगा। लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड तो ऊपर से आपका लैंडस्लाइड हुआ है। व्यू देखिए, व्यू ऊपर में वहां पर आपका घर है, उसके ऊपर भी घर है, लेकिन वो लोगों का जाने आने का रास्ता मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जाने आने का रास्ता कहाँ है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो जो घर है वो घर का रास्ता आपका नीचे से गया, नीचे से जाके आपको वहाँ से चढ़ चढ़ के वहाँ तक जा सकते हो। तो एक्चुअली ये सीधा रोड चल जा रही है आपका कल्पा के लिए, और आपका इधर चल जा रहा है आपका राइट टर्न चल जा रहा है आपका चितकुल के लिए। तो अभी हम लोग राइट टर्न लेके चितकुल की तरफ बढ़ेंगे। कल्पा 14 तो हम लोग लेफ्ट तरफ बढ़ गए हैं चितकुल की तरफ। जैसे ही लेफ्ट टर्न हम लोग वहाँ से लिए आपका, सीधा चल जा रहा था आपका
काजा की तरफ, तो वहाँ से हम लोग राइट टर्न ले लिए। उसके बाद मतलब पूरा सीन जो है ना पूरा चेंज हो गया, पूरा फुल्ली चेंज। तो यहाँ का जो आपका पहाड़ का जो मतलब रोड सब है ना, पूरा एकदम पहाड़ से लगभग पूरा एकदम पूरा पहाड़ का साइड से ही रोड है। तो अभी हम लोग जाएंगे उधर, उस तरफ जाएंगे, आपका साइड होके होके पहाड़ का साइड साइड होके होके जाएंगे उधर। तो कार सब जिधर जा रहा है उधर वही रोड पकड़ेंगे हम लोग, वही पहाड़ का एकदम साइड से ही जा रहा है रोड। चितकुल जाने का जो रोड है आपका पहाड़ का पूरा एकदम साइड से ही रोड है, और राइट तरफ आपका रिवर है। तो व्यू मतलब आउटस्टैंडिंग व्यू। तो अभी डिस्टेंस बचा आपका 30 किलोमीटर, अराउंड 1.5 घंटा जैसे टाइम लगेगा। साढ़े 5 बज रहा अभी, तो हम लोग का पहुँचते हुए 7 बज जाएगा। तो आपका सीधा में जो आपका एकदम दोनों पहाड़ के बीच में एक पहाड़ जो आपका पूरा वाइट स्नो से ढका हुआ है। व्यू लेकिन गजब गजब आउटस्टैंडिंग व्यू मिल रहा है हम लोग को, और राइट साइड पूरा एकदम खाई है। तो देख के चलाना पड़ रहा है क्योंकि उधर से भी गाड़ी आ सकता है। ये जगह आप लोगों ने देखिए, ये जगह देखिए आप लोगों, पूरा एकदम जैसे कोई सर के ऊपर कोई पहाड़ का एक डिजाइन बना दिया है, ऐसा ऐसा व्यू मिल रहा है। तो अभी हम लोग का थोड़ा नाइट हो रहा है, हल्का फुल्का नाइट अंधेरा हो रहा है। वाह क्या है, बहुत ही बिग बिग साइज का तो फाइनली हम लोग चितकुल पहुंच गए हैं। तो चितकुल एल्टीट्यूड है 11,320 फीट, इंडिया का लास्ट विलेज। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं फटाफट रूम, फिर रूम में जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो चितकुल में अभी हम लोग रानी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। तो एक्चुअली रोड का कंडीशन सब जगह सही था, लेकिन चितकुल का आपका 40 किलोमीटर बहुत ही खतरनाक सा रोड था। 40 किलोमीटर आते आते लगभग हम लोग का 4 घंटा टाइम लग गया। लास्ट का 30 मिनट मतलब पूरा एकदम खतरनाक सॉफ्ट रोडिंग, पूरा बॉडी पूरा झड़झड़ा दिया हम लोग का। तो जो नींद लेंगे मतलब बहुत ही रिलैक्सेबल नींद लेंगे, क्योंकि सुबह कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुबह निकलेंगे 11-12 बजे जब दिल करे तभी निकलेंगे। दादा आज आपका हम लोग निकले थे शिमला का 10 बजे, तो चितकुल तक आपका राइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? राइडिंग बहुत बढ़िया है, बढ़िया लगा। रोड कैसा है? रोड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लास्ट 50 मिनट जो राइड किया है ना वो पूरा एकदम घायल कर दिया, पूरा बॉडी झंझनाने लगा, पूरा बॉडी झंझनाने लगा। ठीक है जो पूरा हाटू नी सब कुछ पूरा एकदम खराब हो गया। लेकिन व्यू देख के पूरा सब अच्छा। फीलिंग कैसा हो रहा है चितकुला के, आपको फीलिंग कैसे लग रहा है? फीलिंग्स फील लाइक आई एम इन हेवन। हाँ तो बहुत लग रहा है कि मैंने स्वर्ग में हूँ। स्वर्ग में जो होता है ना, एक तो अम्ब्रेला की पहाड़ ऐसे करके है ना, जब अम्ब्रेला के नीचे हम लोग खड़ा है, हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं, तो इतना अच्छा लगा। तो मुझे तो हम लोग देखते थे यूट्यूब में और मैं सोचता था कि कब इस जगह में कभी जाएंगे या जा नहीं पाएंगे, लेकिन आज ड्रीम कम ट्रू लग रहा है कि मेरा सब कुछ सही हो गया है। एवं चितकुल में जो लास्ट विलेज है इंडिया का वहां पहुंच गया हूं, और वहां का जो टेम्परेचर है वो तो पूरा एकदम -7 है। आप देखिए अभी कितना आ रहा है, -7 टेम्परेचर है, पूरा हालत खराब कर खराब हो गया है। रूम हीटर भी चल रहा है, देखिए ये हाथ भी सेक रहे हैं पूरा, मैडम पूरा हाथ सेकने में पूरा बिजी है, और गर्म पानी मग्गा से गर्म, कंडीशन ऐसा है। तो मैडम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइए? बोलने की कोई बात ही नहीं है, बढ़िया
पूरा बढ़िया मैडम, वो अपना मौज से पूरा हाथ सेक रही है, ये आके खाली यहाँ बैठ के पूरा हाथ सेक रही है, कहीं गई नहीं है, खाली अपना राइडिंग गियर उतारी और आपका हाथ सेकने लग गई और गरम पानी पूरा पी लिया, थोड़ा सा पी लिया, आप पी लिए मैडम, पूरा दिन पानी नहीं पी सुबह से ठंडे की वजह से, आलू की पराठा खाकर पूरा दिन पानी नहीं पी, इसलिए पूरा हाफ पी लिया मैंने। रूम में सब कुछ लगेज वगैरह सब कुछ रखने के बाद अभी हम लोग आए डिनर के लिए, तो डिनर ऑर्डर कर दिया आपका, चिकन किया है आपका हाफ प्लेट और साथ में रोटी। तो चिकन डिनर करने के बाद हम लोग जाके रूम में स्टे करेंगे, फिर सुबह देखते हैं प्लान कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे हम लोग। तो चितकुल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही डाउन है, लगभग 7-8 का माइनस 7-8 का टेम्परेचर है, तो अभी मैडम जो है गर्म वाटर पानी पी रही हूँ, ठंडे की हालत पूरा खराब है। ऑलरेडी कितना पहनी है अंदर, कितना रहे लगभग 3-4 तो पहनी है ना, हाँ बहुत सारा, फिर भी ठंडा नहीं जा रहा ना, मोटे हो गए इतना पहना हुआ। दादा भी पूरा एकदम पूरा पैक्ड है, दादा पूरा फुल पैक्ड है, मतलब फेस को भी पूरा पैक कर लिया दादा, बाहर का सब पानी तो बर्फ हो चुका है, और बाहर में जो आपका बल्टी में आपका जो पानी रखे हुए थे तो भैया लगभग 1-2 घंटा में पूरा फुल बर्फ हो गया है पानी। तो सुबह में देखते हैं टेम्परेचर और डाउन, पूरा -17-18 तक टेम्परेचर चल जाएगा शायद। तो हम लोग आ गए चिकन करी और साथ में रोटी, तो फटाफट अपना डिनर को करते हैं कंप्लीट, उसके बाद फिर चल जाएंगे अपना रूम पर। और गर्मा गर्म पानी भी आ गया हम लोग का, क्योंकि ठंडा पानी तो हम लोग पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसीलिए गर्म पानी तो हम लोग को पीना पड़ेगा। इसीलिए तो डिनर करने के बाद हम लोग आ गए अभी रूम पर, तो रूम में अभी का रूम का तो प्राइस पड़ा हम लोग का 1500 रुपया, तो फिलहाल हम लोग फिलहाल सोते हैं, कल सुबह 10-11 बजे निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे चितकुल और कुछ साइड सीन भी कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड में। अगर वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नया एपिसोड पर।